तो अभी जी ये दुकान थी और इधर टू पीस सिलाई के लिए दिया है। अभी जी इधर व्यू मॉल में और शॉपिंग वगैरह अपनी कर ली, जो ईद का ड्रेस था ईद के फर्स्ट डे वाला वो वाला ड्रेस ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शुक्रिया। अभी अफ्तारी वगैरह की और अफ्तारी करने के बाद अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग एक तो ईद है उसके लिए शॉपिंग करनी है, देन दूसरे नंबर पे एक शादी है, ईद के चौथे दिन शादी है तो उसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी है। उसके लिए एक टू पीस या थ्री पीस सिलाई के लिए देना है तो वो देना है, देन फिर ईद के लिए शॉपिंग करनी है। तो अभी अफ्तारी की थी, अफ्तारी से पहले तो निकलने की हिम्मत ही नहीं होती, तो इसलिए फिर अभी अफ्तारी करने के बाद नहाया हूँ और अभी जी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने सिटी। तो अभी चलते हैं और शॉपिंग करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। अभी जी बैठ चुका हूँ गाड़ी में और अभी निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है जी 8:07। हमने अगर मैं नहाता ना तो पहले निकल जाना था, लेकिन नहाया इसलिए कि अफ्तारी करने के बाद ना एक सुस्ती थी हो जाती है बंदे को, मतलब दिल ही नहीं करता कुछ करने को। तो सेम मैजिट ऐसी हालत हो गई हुई थी मेरी कि दिल ही नहीं थकारा कहीं जाने को। तो फिर मैं नहाया और नहा के अभी बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, तो अभी ज़रा थोड़ी सी एनर्जी आ गई है तो शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के लिए तो भाई आपको पता है कि एनर्जी होनी चाहिए लाजमी। तो अभी चलते हैं और जाके शॉपिंग करते हैं। तो अभी जी ये दुकान थी और इधर टू पीस सिलाई के लिए दिया और वो जैसा मैंने बनवाना था वैसा ब्रांड से था मिला, ब्रांड से मिलते हैं सिंपल से, लेकिन मैंने बनवाना है थोड़ा सा स्टाइलिश ना, तो वो भी सिलाई के लिए दे दिया। और अभी आई थिंक वो बोल रहे हैं कि 28 रोज़े को या 29 रोज़े को आपको मिल जाएगा। और शादी के लिए दिया है, तो शादी ईद के बाद तकरीबन चौथे दिन तो तब ये पहनना है। उन्होंने बोला इससे पहले आपको दे देंगे, आप एक दफ़ा ट्राई कर लेना, अगर तो आपको ठीक है, अगर कोई साइज़ का इशू हुआ छोटा बड़ा हुआ तो फिर वो आपको हम कर देंगे इससे पहले। तो अभी वो ले लिया, अभी चलते हैं और जाके जो अपनी बाकी की शॉपिंग, अभी ईद का ड्रेस लेना वो रह गया, अभी चलते हैं और अपना ईद का ड्रेस लेते हैं। अभी जी इधर व्यू मॉल में और शॉपिंग वगैरह अपनी कर ली, जो ईद का ड्रेस था ईद के फर्स्ट डे वाला वो वाला ड्रेस ले लिया। अभी मैं एक मिनट चीज़ें गाड़ी में रख के फिर आपको बताता हूँ बाकी की बातें। अभी जी जो अपनी ईद की शॉपिंग है ईद वाले दिन की वो हो चुकी है कंप्लीट। जो शादी के लिए टू पीस सिलाई कराना था, दो मेन काम थे, एक शादी के लिए टू पीस सिलाई कराना था, एक वो काम था और दूसरा काम था कि ईद वाला ड्रेस लेना है। तो ड्रेस भी ले लिया, जो लिया वो नहीं आपको मैं अभी दिखाऊँगा, वो दिखाऊँगा जब ईद वाले दिन पहनूंगा तब, ये भी सरप्राइज़ आपके लिए। तो दो काम हो गए, अभी शूज़ लेने थे और पैंट शर्ट लेनी थी, अभी देखते हैं मिलते हैं ठीक है नहीं तो वो पेंडिंग कर देते हैं, उनका इतना इशू नहीं है। इशू ये दो चीज़ों का था, एक ही ईद वाले ड्रेस का और दूसरा वो बरात वाले दिन जो टू पीस पहनना है उसका। अभी जी आया खाना खाने, शॉपिंग आपको बताया था कि जो शलवार की स्लीव ही ली थी, उसके बाद और कुछ देखी थी एक दो शॉप्स पे चीज़ें, लेकिन पैंट शर्ट लेनी थी वो पसंद नहीं आई, शूज़ देखे वो भी पसंद नहीं आए, तो अभी टाइम भी काफ़ी हुआ था, फिर वो पेंडिंग कर दी। अभी आया खाना खाने, अभी आर्डर शर्ट लगवाया और वो इस टाइम कह रही है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि अफ्तारी में कुछ भी नहीं था खाया, सिर्फ पानी शानी पिया और एक आधा समोसा खाया था बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी अपना खाना खाना आता है, खाते हैं और फिर हम जाएंगे घर। अभी जी खाना छाना खा लिया और खाना खाया था पीछे इधर रेस्टोरेंट है उधर, और अभी गाड़ी अपनी इधर पीछे पार्क है, अभी जा रहे हैं कोई स्वीट खाने के लिए। मतलब डाइट तो खैर चलती रहती है साथ साथ, लेकिन जब से रमज़ान है ना तब से लेके अभी तक मैंने ये पहली दफ़ा खाना बाहर खाया, नहीं तो रात के टाइम तो आपको पता है कि अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी करने के बाद वैसे ही खाना नहीं खाते। और आज तो अफ्तारी नहीं थी कि बस पानी पिया था अफ्तारी में और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी खाना खाया, अभी जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स पे, उधर चलते हैं, उधर जाके कोई आइसक्रीम या कोई शेक वगैरह पीते हैं। अभी जी अपना जो टैलेट था वो लगवाया, अभी खाते हैं और पीते हैं, टाइम पर चलेंगे इधर साउंड काफ़ी ज़्यादा सी, मैं वीडियो नहीं बना रहा। गुड मॉर्निंग, तो रात को जी शॉपिंग वगैरह की, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद मैकडोनल्ड्स पे गए, उधर से खाई आइसक्रीम और फिर उसके बाद खाने के बाद हम तकरीबन कोई हमें टाइम हो गया था कोई एक का, और हमें घर पहुँचते पहुँचते कोई 1:30 हो गए थे, 1:30 बजे हम घर पहुँचे और घर आते वक्त इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ। घर आया हूँ, आके तो गाड़ी से सामान निकाला है, रूम में गया हूँ, मैंने सोचा व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन पता नहीं चला कब सो गया, तो फिर तब का सोया, अभी उठाऊँ, अभी तकरीबन अजान होने में कोई 20 मिनट है और अभी उठाऊँ, उठ के तो मुँह हाथ धोया, पानी शानी पिया, अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, तो अभी करते हैं सहरी अपनी, देन फिर जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो सहरी में हमारे पास जी चाय, पानी, दो पीस ब्रेड की और अंडा, और सही बात बताऊँ तो इस टाइम कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं,
रात को थोड़ी सी डाइट भी आउट हो गई थी, आपको मैंने बताया था कि रात को वो खाना शाना खा लिया बाइट से, उसके बाद फिर वो आइसक्रीम खा ली, तो वो तब से फुल में अभी उठा हूँ और ज़रा सा दिल भी नहीं कुछ खाने का, लेकिन खैर थोड़ा सा थोड़ा बहुत खाता हूँ जितना भी खाया गया। एक ना अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या अब आपको बताऊँ, खाना खाने की वजह से ना बाइट से, तो वो खाना नहीं था खाना चाहिए बाइट से, ये गलती हो गई, क्योंकि पूरा रमज़ान तो खाना खाया ही नहीं, ठीक है वैसे भी रोज़े रख रख के ना, तो वो दिल ही नहीं था करता खाना खाने को। रात को भी खाना इसलिए खाया कि अफ्तारी नहीं थी कि अफ्तारी में सिर्फ पानी शानी पिया और एक आध समोसा खाया, थोड़ी सी इतनी सी फ्रूट चाट खाई थी बस, तो इसलिए भूख लगी हुई थी जिसकी वजह से फिर खाना खाना पड़ा, और खाना खा के भी अब मत नारी कह रहा हूँ कि नहीं था खाना चाहिए। खैर जितनी सहरी होती है उतनी करती हैं, देन फिर चल जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। ये जी अभी बस इतनी सहरी की है, आधा पीस ब्रेड का, और अभी फटाफट से चाय पीते हैं, अजान भी होने वाली है, तो जैसे फिर अजान होती है फिर चलते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी जी वजू कर लिया और अभी अजान हो चुकी है, अभी चलते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, और आज की जो सहरी है ना बड़ी फटाफट की है, बहुत ज़्यादा फटाफट की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? तो जितने भी रोज़े गुजरे हैं ना उनमें से सबकी सबसे ज़्यादा जो फटाफट सहरी की है ना वो आज की सहरी की है। खैर अभी चलते हैं मस्जिद में और नमाज़ पढ़ के आते हैं। अभी जी नमाज़ पढ़ने के बाद आ चुके हैं वॉक करने, और आ जाए जी हम दूसरे ट्रैक पे, पहले हम जाते थे खेतों वाली दूसरी तरफ, आज हम आए हैं गाँव की दूसरी तरफ, और इधर से रोड है और ये खेत ही खेत है, लेकिन वो पहले हम जिधर जाते थे वो मतलब कच्चा रास्ता है गाँव वाला ही है वो भी, लेकिन ये गाँव से दूसरा वाला रास्ता है, तो आज हम इधर जा रहे हैं। उधर ये है कि उधर ना सही स्पीड से वॉक नहीं होती, उधर आहिस्ता 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 आहिस्ते वॉक होती है, इधर सही स्पीड से वॉक होती है, ऐसी वॉक उधर नहीं होती। खैर अभी चलते हैं वॉक शॉक करते हैं, देन फिर चलेंगे घर और जाके तो सो जाएंगे। अभी जी आ चुका हूँ घर और वॉक करने के, वॉक आज दूसरे रूट पर गए थे वॉक करने ना, तो उधर से वॉक करके तो वापस आए, मतलब वो छोटा रूट है जिधर हम गए थे आज। पहले हम जाते हैं बाहर खेतों की तरफ, वो भी खेतों की तरफ है रास्ता, लेकिन वो दूसरा रास्ता है, उधर गए थे। और अभी जी आ चुका हूँ, अभी चलते हैं, और अभी नींद तो नहीं आई वैसे क्योंकि सो गया था, आपको मैंने बता ही था जब शहर से आया था फिर आके सो गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, अभी चलते हैं, अगर नींद आ गई तो ठीक है वरना फिर भी ठीक है। तो अभी जी नमाज़ पढ़ के आया था घर, और घर आया तो साथ ही 10 या 15 मिनट के बाद चाचू की कॉल आ गई कि यार सही आ जाओ, तो ज़रूर जाना है शहरयार को लेने। शहरयार उस पर मैंने व्लॉग भी तकरीबन 2-3 दफ़ा मेरे व्लॉग में आ चुका, 2-3 दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, एक व्लॉग मैंने बनाया था वो पसरूड कैडेट कॉलेज वाला, तो उसमें भी वो उसे कैडेट कॉलेज छोड़ने गए थे, वो पसरूड कैडेट कॉलेज है तो उधर पढ़ता है वो। तो फिर चाचू की मुझे कॉल आई कि यार सही आ जाओ चलते हैं सुबह सुबह, वो आते हैं बाद में, फिर धूप निकल आती है तो नहीं जाया जाता, रोज़ा होता है ना तो रोज़े में फिर नहीं जाया जाता, तो उससे ईद की छुट्टियां भी आज से स्टार्ट है उसकी, तो अभी जा रहे हैं जी पसरूड से लेने। और अभी टाइम आपको बताता चलूं तो टाइम हो रहा है जी 5:43, तो खैर अभी चलते हैं। तो अभी जी हम पसरूड पहुँच चुके हैं, और ये रहे जी हमारे चाचू, और अभी इधर से तकरीबन जो कैडेट कॉलेज है वो मैक्सिमम कुछ 15 मिनट का रास्ता है, इधर से 10 से 15 मिनट का रास्ता, अभी चलते हैं और शहरयार को लेते हैं, दर फिर चलेंगे घर। और अभी टाइम हो रहा है जी तकरीबन कुछ 7 का टाइम हो रहा है, रोड्स खाली थे पीछे तो खाली थे, जिधर से हम सियालकोट से आए आगे, इधर आकर ट्रैफिक कुछ मिली है, लेकिन सियालकोट में तो सारे रोड खाली थे क्योंकि हम सुबह सुबह निकल आए थे, तो इसलिए अभी स्कूल टाइम स्टार्ट हो गया है 7 हो गए, तो इसलिए अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा अभी मिल रही। तो खैर अभी हम पहुँचने वाले हैं कैडेट कॉलेज, तो आपको मिलते हैं आप कैडेट कॉलेज पहुँच कर। तो अभी जी हम आ चुके हैं कैडेट कॉलेज के अंदर, अभी इधर वो आगे इस साइड पे पार्किंग है, इधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, देन फिर हम जाएंगे शहरयार को लेने और उसके जो हॉस्टल उस साइड पर, और फिर उसे जी ले कर हम आएँगे वापस। अभी ये सारा कैडेट कॉलेज है, ये सारा अभी इधर हम गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी छाउन, इधर ऐसे खड़ी कर देते हैं ये जी, बहुत अच्छी। अभी तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी, अभी चलते हैं चाचू वो आगे, वो जा रहे हैं चाचू, अभी हम भी उतरते हैं और गाड़ी करते हैं जी बंद,
और चलते हैं भाई शहरयार को लेने। अभी जी सारे बच्चे जा रहे हैं क्लासेस में यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, वो सामने ये सारे बच्चे। ये अभी जी फाइनली शहरयार को छुट्टी मिल गई। उधर करीट कॉलेज के एडमिन ऑफिस में थे, छुट्टी नहीं थी दे रहे भाई साहब। वो मतलब ईद के बाद शादी है उसके लिए भी छुट्टी लेनी थी, और अभी शॉपिंग वगैरह करनी है उसके लिए भी छुट्टियाँ लेनी थी, लेकिन वो भाई साहब बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, मिल गई है। लेकिन वो फिर प्रिंसिपल से मिले, फिर उससे छुट्टी जा कर ली, और अभी माया हूँ गाड़ी लेने। वो इस साइड अपनी गाड़ी है, अभी गाड़ी लेती हैं, देन फिर शहरयार को साथ लेंगे और फिर चलेंगे जी वापस। और अभी टाइम हो रहा है जी 8:31, और हम इधर तकरीबन कुछ 7 बजे हम कॉलेज पहुँच गए थे, और 1 घंटा हमने भाई साहब, 1.5 घंटा पहले वेट किया, फिर उसके बाद मिले। और लेकिन ये था कि प्रिंसिपल से मिलना था, उससे छुट्टी मिलनी थी, ऐसे नहीं थी मिलनी। लेकिन फिर वो मिले और उन्होंने भाई छुट्टी दे दी। अभी ये रही गाड़ी अपनी, अभी चलते हैं उधर, और सामान है वो गाड़ी में रखेंगे, दैन फिर वापस चलेंगे सियालकोट। अभी जी हम जा रहे हैं शहरयार को लेने, गाड़ी ले ली, और ये सारा जी कैडेट कॉलेज, और इतना बड़ा यार ये कॉलेज है कि क्या बताऊँ आपको। मैंने अपने एक ब्लॉग में पहले भी बता चुका हूँ, अभी इसका जी शहरयार का हाउस है ये वाला, नहीं ये नहीं, ये तो जिना हाउस है उसका, आई थिंक वो आगे वाला है, हाँ जी वो जाहिद हाउस है ये वाला, ये नहीं इससे आगे वाला, ये वाला हाउस है शहरयार का। अभी गाड़ी मैं आई थिंक इधर ही खड़ी करूँगा, और उस सामान उधर से लेके आएगा शायद, ये उसका हाउस है शहरयार का ये वाला, और बाकी ये सारा कैडेट कॉलेज और ये ग्राउंड, और वो एडमिन ब्लॉक है उधर गए थे हम, ये जो है ना ये एडमिन ब्लॉक है, इधर प्रिंसिपल बैठते हैं, और इससे परमिशन लेके हम आए हैं, और ये सारे का सारा कॉलेज। और ये रहे जी हम, ये जी अभी जी मैं वो पहले उस साइड पर खड़ा था वो शटर के पास था जो, और अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ वो उसके हाउस के पास, तो सामान है तो वो भी रखना है गाड़ी में, इसलिए अभी गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ। और वो रहा सामने शहरयार जी, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए अभी, पहले उसने वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था लाइक जिस तरह बच्चों ने पहना हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरह आपको अभी नज़र आता है। ये जी ये रहा शहरयार, और पहले इसने ऐसा यूनिफॉर्म पहना हुआ था, अभी इसने कपड़े कर लिए हैं चेंज। ये जी आ गया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, मिल गए छुट्टी। इसके साथ ना हुआ यह था कि जब भी आया ना तो हमने इसे बोला यार छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि प्रिंसिपल के पास में और चचू गए थे, तो इसे हमने बोला कि यार छुट्टी नहीं मिली हमें ना, वो बोल रहे हैं कि आप अभी इसे रहने दें, ईद के बाद छुट्टी कर लेगा, लेकिन अभी आप इसे नहीं लेके जा सकते। ये भाई साहब बिल्कुल सीरियस मूड में, मतलब हो जाता ना एक बंदे का मुँह के एक्साइटेड हो बंदा जाने के लिए, और एंड टाइम पर छुट्टी ना मिले, तो इस तरह का हिसाब हो गया था इसका। लेकिन फिर हमने बताया भाई छुट्टी मिल गई, चलो आओ चलिए, तो फिर मैं गाड़ी लेने चला गया था, गाड़ी लेकर अभी इधर आया हूँ। अभी ये इसका सामने हॉस्टल है ये, और ये है जी जाहिद हाउस। अभी वो सामान लेने के अंदर सामान लेके आता है, गाड़ी में रखते हैं, और फिर हम चलते हैं वापस सियालकोट। तो अभी जी हम पहुँच चुके हैं अपने विलेज में भाई साहब, बस रूट से आए हैं, और मतलब वापसी में कोई आते हुए विला नहीं बनाया, बस उठते ही आए हैं। तो फिर सियालकोट पहुँचे, सियालकोट पहुँचिए तो चाचू को सियालकोट उतारना तो उन्हें काम था उधर, तो उन्हें उधर उतारा। फिर मैं और शहरयार अभी आ चुके हैं विलेज में, अभी गाड़ी चला रहा है जी शहरयार, अभी चलते हैं और जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, दैन फिर चाचू बोल रहे थे कि मुझे कोई थोड़ी देर तक लेने आ जाना, तो फिर जाऊँगा, तो फिर उन्हें लेके आएंगे जी हम वापस घर। तो खैर अभी चलते हैं घर और जाके थोड़ा बहुत रेस्ट मारते हैं, फिर जाऊंगा उन्हें लेने। तो खैर आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।